फासला जरूर है, मंजिलों से दूर है, हौसला मगर दिखाना चाहिए। सांस है तो आस है तो प्यास है तो फिर बुझाना चाहिए। मॉस्को में होने वाले टूर्नामेंट में दुनिया भर से 11 टीमों ने हिस्सा लिया। आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के दीगर शहरों से मुंतखब किए गए कम उम्र फुटबॉलर ने दुनिया भर को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। हम रशिया टूर्नामेंट खेलने गए थे, मेरा फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और मैं उससे भी मजीद अच्छा बनना चाहूँगा। मैं बेस्ट प्लेयर हुआ हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है और मुझे ट्रॉफी मिली। डिपेंड्स ऑन व्यू टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ब्राजील, भारत और रूस को ग्रुप मैचेस में, जबकि रूस को फाइनल में शिकस्त देकर जीत का ताज अपने सर सजाया। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने रिवायती हरीफ भारत को 15-0 से शिकस्त दी। हमें उसको सबसे ज्यादा खुशी हुई है जिसमें हमने भारत को 15-0 से हराया। अलग सा ही जज्बा था और बहुत मजा आया। टीम मैनेजर मुज्तबा हैदर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि इस टीम में 3 कैटेगरीज के बच्चे शामिल किए जाते हैं। इन बच्चों का इंतहाई हम्बल बैकग्राउंड से तमाम बच्चों का ताल्लुक है, जिसमें ऑर्फन्स भी हैं, हमारे स्ट्रीट चाइल्ड की कैटेगरी के बच्चे भी आते हैं और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे वो भी शामिल हैं। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इस स्ट्रीट चाइल्ड का वर्ल्ड कप जो कि मई 2018 में आ रहा है, उसमें अपनी टीम को भी रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ISPR के मुताबिक टीम की शानदार कारकर्दगी पर कमांडर टैनकोर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी कराई।